हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके लेटेस्ट अलर्ट्स। तो आपका हमारे चैनल जेके लेटेस्ट अलर्ट्स में फिर से स्वागत है। तो आज बहुत दिनों बाद हम आपके पास फिर से एक वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे जेके एसएसबी की कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में और कुछ पुराने मुद्दों के बारे में जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। और कैंडिडेट्स के हमें नोटिफिकेशन आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, तो कुछ इश्यूज़ की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। पर आज से हम फिर से जो है वीडियो रेगुलर करना स्टार्ट करेंगे और आपके ऐसे ही मुद्दों पे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जेके एसएसबी की कुछ बिग अपडेट्स के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि जो एग्ज़ाम्स थे जेके पीएसआई, जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, देन आपको सिविल के बारे में बात करें तो उनके जो सीबीटी एग्ज़ाम्स होने हैं उसके बारे में, जो अभी रिक्रूटमेंट एजेंसीज की तरफ के साथ मीटिंग्स हुई थी, तो आप मान सकते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो अभी सीबीटी मोड में ही होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। जैसे कि आपके जो यूनियन हेल्थ इंस्पेक्टर या बाकी जो एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुए थे उसी हिसाब से होंगे, जिसमें आपको जो कंप्यूटर की निगरानी में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, सीसीटीवी फुटेज एंड देन ऑनलाइन सबमिट हो जाएंगे। और इसमें कोई भी जो स्कैम्स होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और इसलिए जो जेके एस एस बी है उसको एग्ज़ाम्स को डिले किया है, जैसे आपके बाकी एग्ज़ाम्स थे वो भी डिले हो गया है, क्योंकि वो सब भी अब सीबीटी के मूड से ही होंगे। चाहे वो आप वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करें, चाहे एडवर्टीजमेंट नंबर 4 के जो भी फॉर्म फिल हो रहे हैं उनकी बात करें, जो पहले के एग्ज़ाम्स रह चुके हैं उन सब के एग्ज़ाम्स की। और ये तब तक नहीं होंगे जब तक जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज की तरफ से सीबीटी का एक अच्छी तरह एक मैप तैयार नहीं हो जाता, और जब तक कि ये जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आप मान सकते हैं अगर प्रोसेस में कंप्लीशन रहता है और अक्टूबर या नवंबर तक आपके जेके पी एस आई के एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो आने वाले ईयर के स्टार्टिंग तक आपके सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये थी बात जो एग्ज़ाम्स के बारे में अपडेट थी। देन आपको बता दें कि जो क्लास 4th के जो बच्चों के लिए भी एक क्वायरी है, क्योंकि अभी क्लास 4th की लिस्ट जो आई थी प्रेफरेंस लिस्ट वो तो कब की आ गई, उसके बाद बच्चों से प्रेफरेंस भी मांग ली, डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस जिसकी लास्ट डेट एक्सटेंड होती रही है, पर उसके बाद अभी कुछ और अपडेट नहीं आई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ज़्यादातर मुद्दों में जेके एस एस बी को आपको देख सकते हैं कि वो पहले जेके पी एस आई की तरफ से ज़्यादा ध्यान था, फिर देन जेके एस एस बी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो स्कैम सामने आता है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सिविल जेई सिविल का भी स्कैम आपको देखने को मिलेगा। तो इसी की वजह से जो जेके पी एस आई और जेके एस एस बी के जे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एंड देन बाकी एग्ज़ाम्स की वजह से आपकी जो लिस्ट है वो डिले हो रही है। पर मेरे को लग रहा है कि आपकी लिस्ट जो है बहुत ही जल्द रिलीज़ हो जाएगी। बाकी आप जो जेके एस एस बी ऑफिस में जाके भी पूछ सकते हैं कि आपकी डिले क्यों हो रहा है और एग्ज़ाम्स के लिए क्यों डिले किया जा रहा है। और अगर आप कैंडिडेट्स की कोई क्वेरी है तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब ज़रूर देंगे, और नहीं तो आपको हम इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि जो एडवर्टीजमेंट नंबर 4 के फॉर्म फिल हो रहे हैं उनकी जो लास्ट डेट है वो 14 तक है इस मंथ, तो आप अगर फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर लें। और साथ में उसकी कुछ अपडेट्स आई हैं, जिसमें जो दो पोस्टें थी उनकी क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया गया है, जिसमें बीएससी मेडिकल जियोलॉजी चाहिए और जूलॉजी चाहिए। तो आप वो जाके देख सकते हैं, न्यू नोटिफिकेशन जेके एस एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में अपडेट देंगे। बाकी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो बहुत ही जल्द होंगे, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें और ये वेट ना करिए कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे तो हम तब प्रिपेयर करेंगे जब एग्ज़ाम्स का नोटिस आएगा, क्योंकि जो कंपटीशन है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये आप को देखने को मिल सकता है जो पहले एग्ज़ाम्स हुए हैं। और बाकी जो स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो अच्छी तरह निगरानी रख रही है, तो आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी क्वेरी लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।